रविवार को कोट कासिम सैनी समाज का द्वितीय प्रतिभावान सम्मान समारोह किशनगढ़वास रोड स्थित सैनी धर्मशाला के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खैरतल तिजारा सैनी समाज के अध्यक्ष तेजराम सैनी ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाज में प्रतिभाओं को समय समय पर सम्मान किया जाए तो प्रतिभाओं का हौसला अफजाई होता है। आप निश्चित रहे, मैं पूरी कौम के लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने यह बुलाया, स्वागत सत्कार किया और ऐसे कार्यक्रम हर साल जिससे प्रतिभाएं निखर के आए, ये काम आप अवश्य करें। चाहे मेरा आना हो या ना हो ना, लेकिन मेरी संवेदनाएं भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, बहुत अच्छा लगा। कोट कासिम बॉर्डर है और राजस्थान का जिसका जिसकी कौम का बॉर्डर अगर मजबूत होगा तो वो कौम कभी पीछे नहीं हो सकती। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि आपका जो समाज कम संख्या में जरूर हो सकता है यहाँ, लेकिन मजबूती से पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं पहला, कम से कम हर साल 10-20-30 जगह जाता हूं, लेकिन संख्या के बल के आधार पर अगर इतनी प्रति